अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू? वेलकम टू माय हाउस। वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। ऐसा घर तो वो लोग देते हैं जिनका। आर यू टू पॉलिटिक्स सर? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, अभी तक नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है पॉलिटिक्स, बट यू गॉट अ ब्यूटीफुल हाउस माशाल्लाह। डू वी गेट एन ऑनर टू गो अराउंड व्हाइल वी आर टॉकिंग लेटर ऑन? यस। अच्छा है। ओह, मैंने तो वैसे पॉइंट किया था। कम इन, कम इन। व्हाट अ वंडरफुल हाउस माशाल्लाह यू हैव। थैंक यू। कितने करोड़ों में बना था नादिया? भाई मुझे नहीं पता, ये डिटेल्स मुझे नहीं पता। ये कहते हैं ना, हर लड़की अपनी किस्मत से किसी लड़के का घर बनाती है। हाँ। तो आपने, आपकी किस्मत से बना होगा ना माशाल्लाह? अल्लाह का शुक्र है, ये अगर मेरी किस्मत में था तो मेरी अच्छी किस्मत है। नहीं तो आपकी ये आने के बाद आया घर या घर? या, 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 बल्कि एक्चुअली बेटा पैदा हुआ था दूसरे घर में, एंड देन आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई डॉटर, तो मैं खाले शायद बेटी की नसीब में था। She brought all this good luck, है ना? Yeah. बेटियां वैसे अपने साथ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी लक लेकर आती हैं पेरेंट्स के लिए। I do hope so. Yeah, because when I got my first daughter, actually I have only one daughter, तो हमारा 1 करोड़ रुपए का प्राइस बॉन्ड निकला। अच्छा। हाँ, मतलब हाँ, अभी सीरियस हो गई। Okay. उसके बाद से मैं कोशिश कर रहा हूँ मगर कुछ मतलब है। अच्छा, बट माशाल्लाह कॉम्प्लीमेंट फॉर द ब्यूटी। मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली आई बीन सीइंग यू ऑन टेलीविजन टॉकिंग अबाउट कि आपने जो एक प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है। पहले तो ये बताएं, कमिंग इनटू फैशन एंड ऑल दिस एंड नॉट प्रैक्टिसिंग व्हाट यू एक्चुअली ग्रेजुएटेड इन, बीइंग अ डेंटिस्ट, यानी दंदान साज। तो आपने ये चीनी दंदान साज वाला क्लिनिक खोलने से क्यों इस्तेनाब परहेज फरमाया? क्योंकि मुझे लगा कि मेरे लिए खुद पर्सनली जो है ये बहुत ज्यादा एक एक्साइटिंग फील नहीं थी, एंड जिस फील्ड में मैं गई हूँ विच इज एस्थेटिक्स, वो मेरे लिए एक्चुअली पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। एस्थेटिक्स मेरे जैसे जो आवाम है उनको जरा आसान उर्दू में समझा देंगे क्या होता है? डेंटिंग पेंटिंग खूबसूरती। हाँ, डेंटिंग पेंटिंग खूबसूरती, यू नो, जब रिंकल पड़ जाएं, जब छाइयां आ जाती हैं। मेरी तरफ देख के ना कहे ना, मैं तो ठीक है, मैं तो गुजारा हूँ, लेकिन जब अल्लाह ताला के काम ऐसे हों तो उसमें भी आप ठीक कर देती हैं, बेहतरी की उम्मीद। वेल, बेहतरी उम्मीद तो है ना, एक एक ट्रीटमेंट अगर अवेलेबल है तो उस ट्रीटमेंट को क्यों ना फिर अवेल किया जाए। क्या क्या चीजें ठीक हो जाती है? नाक की लंबाई ठीक हो जाती है, चौड़ाई ठीक हो जाती है? वो तो सर्जरी से हो जाती है, सर्जरी से बिल्कुल हो जाता है। मैं तो खैर सर्जरी नहीं कर रही, लेकिन ये कि जहाँ पे मेरा क्लिनिक है तो वहाँ पे एक सर्जन भी है, सो और सर्जिकल भी होता है, लेकिन नॉन सर्जिकल पे मैं जो है ना, क्योंकि मैंने उसी चीज़ में अपनी डिग्री हासिल की, वेल यू नो, अपना डिप्लोमा किया, सो दैट इज़ वाई मैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स करती हूँ। डिप्लोमा आपने पाकिस्तान से लिया था? नहीं, सिंगापुर से। सिंगापुर से गई थी। अच्छा, ये बताएं, आजकल खवातीन आती है ना डॉक्टर्स के पास जो खूबसूरत करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, आगे कहती हैं कि मेरी नाक डॉक्टर शाइस्ता की तरह कर दो, या मेरी नाक करीना की तरह कर दो, या जो नहीं हो सकती शाहिद कपूर की तरह। आपके पास भी लोग आके कहते हैं कि मेरी आंखें जो है वो काजल की तरह कर दो, क्या कहते हैं आपके पास आके? बल औरों का तो नाम नहीं लेते, शुक्र है कि मेरा नाम लेते हैं। अपनी तरह कर दें? हाँ, अपनी तरह कर दें। तो आप उनको कैसे करती हैं? आपने कोई फोटो कॉपी लगाई हुई जिसमें डाल के तो वहाँ से छोटी नादियाँ निकाली कर रही है? वेल दे वुड विश कि यही हो जाए, लेकिन ये कि उनको ज़ाहिर समझाना पड़ता है कि आपके जो कुछ फीचर्स हैं, यू नो, आपके फीचर्स डिफरेंट हैं, एंड आपकी शायद बॉडी टाइप डिफरेंट है, आपका आपके यू नो, मतलब आप खुद से ही खूबसूरत हैं, लेकिन ये कि डेफिनेटली इन्हांसमेंट अगर हो सकती है तो फिर बहुत सी चीज़ों में इन्हांसमेंट हो सकती है। तो खवातीन और हज़रात, नादिया जो है सिंगापुर में ये डिप्लोमा जो लेकर आई, इट इज़ डेफिनेटली नॉट इन ट्रीटमेंट, इट इज़ डेफिनेटली द सेल्स पर्सनैलिटी दैट हैज एक्चुअली कम आउट द काउंसलर। हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम नादिया से और बहुत सी मजे की बातें पूछेंगे। स्टे विद अस एट आज सुबह विद अली सलमान विद द गॉर्जियस, द ब्यूटीफुल, द लीडिंग एवरीथिंग ऑफ पाकिस्तान, नादिया हुसैन।